ओके गाइस, तो आज है डे 3 ऑफ रमादान और आज का जो वर्कआउट रहेगा दैट्स लेग्स। उसमें हम मेन फोकस रहेगा हैमस्ट्रिंग्स पर। उसकी दो एक्सरसाइजेस करेंगे, एक रहेगा हैमस्ट्रिंग रिवर्स कर्ल और रहेगा हमारा RDLs। एंड जो फिर उसके बाद हम करेंगे रियल डेड्स के दो एक्सरसाइज, रिवर्स पैक डेक, फेस पुल्स एंड ट्रैप्स की एक एक्सरसाइज। लास्ट में हम काफ्स भी करेंगे, उसके 3 सेट्स। और रही बात क्वेश्चन की, बहुत सारे बोल रहे थे कि आप कैसी क्या डाइट करते हो, अच्छे से आप एक्सप्लेन करो कि आप किस तरीके से रमादान में आप डाइट लेते हो। देखो, डाइट तो सारा नहीं हो पाता है, बट जैसा मैं करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या क्या लेता हूँ। सबसे पहले जब मैं तैयारी करता हूँ उस टाइम पानी से 1 लीटर तक आप कोशिश करो कि 1 लीटर तक आप पानी ख़त्म करो उस टाइम। उसके साथ 5 खजूर, और उसके बाद मैं लेता हूँ प्रोटीन शेक, उसके साथ एक बनाना, गए नमाज पढ़ने। देन उसके बाद मैं जब घर वापस आता हूँ मैं ओट मील बनाता हूँ अपना, अच्छा हैवी ओट मील होता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स होते हैं, पीनट बटर, वे प्रोटीन, तो ये सब मिला के हो गया हमारा ओट मील, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ टी, जो हमारी कश्मीरी नून चाय होती है। मैं नहीं पीता हूँ साल भर, पर रमादान में मैं पीता हूँ ज़रूर टी। उसके साथ घी की रोटी होती है, अच्छा घी आप खा सकते हो। एंड उसके साथ और 2 रोटी, और उसके साथ 5 एग्स मैं खाता हूँ, तो ये होता है हमारा। और बटर भी मैं लेता हूँ, या पीनट बटर उस टाइम रोटियों के साथ, तो वो होता है हमारा लास्ट में। फिर लास्ट में मैं फिर से पनीर लेता हूँ, या वे प्रोटीन आप ले सकते हो सोने से पहले। फिर जब सहरी का टाइम आता है तो पहले आप लगभग 1.5 लीटर तक पानी पीना पहले ही, ठीक है। उसके बाद आप कोई सॉलिड मील लो, लाइक चिकन राइस आप ये सब ले सकते हो, और या जो घर में बना हो वो सब ले सकते हो। फिर उसके बाद या आप शेक बना सकते हो, ब्लेंड शेक, आधा ही बना वो पियो, या आप एक काम कर सकते हो चाय पियो या खाली प्रोटीन शेक पियो। तो अपने हिसाब से आपको करना है कि मैं कितना खा सकता हूँ। बहुत सारे नहीं खा पाते सहरी को, तो अपने हिसाब से देखना है कि मुझे मेंटेन रखना है या कट करना है, या बल्क, मतलब बल्क तो नहीं होगा बट मेंटेन करके चलना है, मसल मास को प्रिजर्व रखना है, तो ये सब चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अभी हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, पहली एक्सरसाइज लेग्स की हम हैमस्ट्रिंग कर्ल करेंगे, और उसके रहेंगे 3 सेट। तो ज्यादा पुश नहीं करना है, ना ही फेलियर तक ले जाना है, जैसा सेट है वैसा ही करना है। इसके बाद सेम वेट से और एक सेट करेंगे, देन उसके बाद RDLs। ओके, लास्ट सेट। तो इसके 3 सेट्स, अब हम करेंगे RDLs। तो गाइस, आइडियल्स का पहला सेट। ओके, ये रहा हमारा सेकंड सेट।
तो हैमस्ट्रिंग्स का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, अब करेंगे हम रियल डेड्स के बाद। रियल डेड्स का पहला सेट और इसकी भी रहेंगे टोटल 3 सेट्स। ये होगा हमारा दूसरा सेट। रियर डेड्स की पहली एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, अब करेंगे फेस पुल्स। सेकंड सेट ओके, तो रियर डेड्स हो चुके कंप्लीट, अब हम करेंगे डंबल प्रेस से ही आज करेंगे हम ट्रैप्स लाइट वेट से ही, बट पहला सेट हम स्टार्ट करेंगे 15 से ही। तो कुछ इस तरीके से ओके ओके आ जाना चीज नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड सेट ओके लाइट वेट से भी मसल अच्छा ट्रेन होता है, बट जब आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा हो। ओके, तो वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, इसके बाद काप्स के 3 चेक करेंगे। उससे पहले हम पंप चेक करेंगे एंड जो और क्वेश्चन की बात है उनकी बात करेंगे। ओके गाइस, आज पूरा फिजिक अपडेट देंगे। अभी आई डोंट नो, अभी 3 kg तो ड्रॉप हुआ है, अभी नहीं पता कि अभी और कितना हो। वो हार्डनेस भी बॉडी से जाएगी क्योंकि हम ग्रेटिंग भी ऑफ ले रहे हैं। और लेट्स गो, चलो फिर भी
गाइस तो वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, लास्ट में काप्स के भी 3 सेट करना। और अब रही बात, बहुत सारे लोग क्या गलती कर बैठते हैं जिम में जिससे वो मसल मास खो देते हैं। एक तो जो वो सेम वर्कआउट करते हैं वही करते हैं, उतने ही सेट्स, उतने ही रैप्स, उतने ही इंटेंसिटी, बट उन ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और हम नहीं मतलब कर पाते इतना वर्कआउट, बट फिर भी वो कोशिश करते कि वर्कआउट अच्छा जाए, हमारी बॉडी रिपिट हो। यार बॉडी रिपिट नहीं होगी, वो डाइट्स के साथ जो आपका डाइट होता है उसी से आपकी बॉडी जो है वो रिपिट बनती है और आपके वर्कआउट पर। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता, आप कट या बल्क करो। दिमाग में ये चीज़ रखो कि मुझे मसल मास को प्रिजर्व करना है, मुझे स्मार्टली ट्रेन करना है, किस तरीके से मैं ट्रेनिंग करूँ, किस तरीके से मैं अपना डाइट, तो ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा। एंड प्रोग्रेस भी करो, क्या मेरा वेट ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं हो रहा, क्या मेंटेन ही है, ये सब चीज़ें चेक करो। और एक क्वेश्चन आया था कि रमादान में क्रिएटिन ले सकते हैं, मैं बोलूँगा आप क्रिएटिन ऑफ ही करो रमादान के दौरान। मैंने भी ऑफ ही रखा क्योंकि बॉडी वैसे भी डिहाइड्रेटेड होती है और क्रिएटिन के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, उतना पानी आप नहीं पी पाओगे और 15 आवर्स हमारा फास्ट होता है तो बात नहीं बनती क्रिएटिन लेने की। तो क्रिएटिन ऑफ करो, बस आप प्रोटीन पे ध्यान रखो कि मेरा प्रोटीन अच्छे से होना चाहिए, या आप इस रमादान में जो प्री वर्कआउट पे आप इन्वेस्ट करते थे और क्रिएटिन पर इन्वेस्ट करते थे वो आप BCAA पर इन्वेस्ट करो, या तो वो आप इख्तियारी में लो BCAA, या तो आप सहरी को लो BCAA। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इन टिप्स को ज़रूर आप फॉलो करना। सी यू सून गाइज, बाय।